दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है। सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सभी लोग अपने आसपास बहुत सारे प्राण लगाएं, धरती को हरा भरा करें और धरती को स्वच्छ रखने में भी अपना सहयोग प्रदान करें। हर किसी के घर से कुछ न कुछ कूड़ा निकलता है, कुछ प्लास्टिक्स निकलते हैं, कुछ प्लास्टिक के बैग निकलते हैं, कुछ डिब्बे निकलते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग जो कूड़े के रूप में फेंकते हैं, उसको फेंकने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान दे लें कि कहीं ना कहीं हम इसको अपने प्लांट लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। घर से निकलने वाले जो कूड़ा है, उसको हम किस तरह अपने गार्डन में प्रयोग करें, इसके लिए मेरी एक वीडियो भी है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगी, उसको आप देखें। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम सभी ने अपना अपना सहयोग देना चाहिए, तभी ये धरती स्वच्छ रहेगी और इसमें टेम्परेचर जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर कुछ ना कुछ कमी आएगी। मैं भी घर से निकलने वाले बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को प्रयोग करती रहती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, मेरा पूरा बोतल गार्डन बना हुआ है। पूरी बोतल में ही सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये सब फेंके जाते नहीं, तो मैंने इसको इस तरह से यूज कर रखा है। तो इसी तरह से आज पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको प्लास्टिक से जो थैल बैग होते हैं, उनसे कैसे आप ग्रो बैग बनाएँ, उसके बारे में आपसे बात करूँगी। एज ए गार्डनर हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम सब लोग अपने घर से निकलने वाली जो प्लास्टिक है, उसको कैसे रीयूज करें और इसको फेंकने से पहले अपने कहीं कहीं ना कहीं हम जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को भी प्रेरित करें कि आप भी इस तरह अपने इन चीज़ों का प्रयोग गार्डन में करें या दूसरी जिस भी चीज़ में आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग ज़रूर करें। कोई भी चीज़ को फेंकने से पहले उसका इस्तेमाल हम सोच लें एक बार। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको ये जो ऐसे प्लास्टिक के जो बैग होते हैं जिनमें कोई ना कोई सामान आता है, ये मेरा एक खाद का बैग था और ये सर्फ की जो हमारे घर में यूज होता है वो थैली है, तो इनको हम कैसे हम ग्रो बैग में चेंज करेंगे ये बताऊंगी। उसके अलावा आजकल हर किसी घर में जरूर कहीं ना कहीं से ऑनलाइन सामान ज़रूर आता है। ऑनलाइन सामान में जो बैग आते हैं उनको भी आप होने को वो पतले होते हैं, उनकी जो प्लास्टिक होती है पतली होती है, पर उसके अंदर एक पॉली बैग और लगा कर आप इसको डबल करके इससे भी बहुत अच्छा ग्रो बैग बना सकते हैं। ये भी आपके गार्डन में साल भर तक आसानी से चल जाता है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। एक सीजर लेंगे, उससे हम इसकी कटिंग करने के लिए या हम ड्रेनेज होल बनाने के लिए यूज करेंगे। दूसरा, हमको एक स्टेपलर चाहिए बस दो, और एक ग्रो बैग चाहिए, जो भी हम पॉली बैग लेंगे जिससे हम ग्रो बैग तैयार करेंगे। सबसे पहले जो भी पॉली बैग आप लेंगे, हो सके तो इसके हार्ड मटेरियल वाला लीजिएगा, वो ज़्यादा चलते हैं, और फिर उसके बाद जो है इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आप कलरफुल रखना चाहते हैं तो कलरफुल रख सकते हैं, नहीं तो अगर प्लेन रखना चाहते हैं तो इसको फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद पॉली बैग के जो नीचे की तरफ है, इसको इस तरह से हमने चौड़ा कर लेना है, और उसके बाद जो बहुत सरल है, उसके बाद जो ये किनारे के पार्ट हैं, इनको आपने इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ के इस पर एक हम स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे। ये देखिए, एक स्टेपलर यहाँ से, एक स्टेपलर यहाँ से, इसको भी ऐसे ही हम स्टेपलर कर देंगे। इसकी अपर साइड से भी हम इसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, और इस पर भी अगर आप टेप लगाना चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, और अगर आपका बहुत बड़ा पॉली बैग है तो उसमें अगर दो तीन फोल्ड भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। छोटा पॉली बैग है तो मैं इसमें सिर्फ एक ही फोल्ड करके स्टेपलर लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से बन गया है और ये मैंने ऐसे रखा है। इस पर अब नीचे पर हम ड्रेनेज होल कर देते हैं, और फिर इसके बाद इस पर हम आसानी से प्लांट लगाएंगे। ये आराम से हमारे साल भर तक चल जाते हैं। अब मैं आपको जो हम ऑनलाइन में सामान आता है उसका जो है, इसका भी आपको ग्रो बैग बनाकर बताती हूँ। इसका जो है, आपको मैंने पहले बता दिया है, इस पर आप डबल कर लीजिएगा। थोड़ा ये पतला होता है क्योंकि बाहर से जो आती है इसकी पॉली बैग, तो देखिए इसको भी उसी प्रोसेस से बनाते हैं। ये देखिए, इस पर मैंने ये पतली सी जो इसका पॉली बैग है, इसके अंदर एक ही पॉली बैग डाल रखा है। अब मैंने इसे डबल हो गया है और ये इससे मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसे चौड़ा करेंगे। चौड़ा करने के बाद किनारे पर से इस पर हम फोल्ड कर देंगे। इसमें डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसी जिसकी चौड़ाई हो उस आधार पर, और इस पर फिर हम स्टेपलर कर देंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अंदर हमने पॉली बैग डाल रखा है वो भी इसमें साथ साथ स्टेपलर होना चाहिए।
ऊपर से मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसमें इस तरह से चारों तरफ स्टेपलर लगा देती हूँ। आप चाहें तो इस पर कोई टेप भी लगा सकते हैं। स्टेपलर अगर हम अंदर की तरफ लगाएंगे तो इसमें जो कील है वो भी हमारे हाथ में नहीं चुभेगी। दोस्तों आप दोनों ही जो उसमें जो ग्रुप तैयार कर रखे हैं आपने दोनों ही उनको छोटे छोटे ड्रेनेज होल बना लीजिएगा। आप चाहें तो किसी चीज़ को गर्म करके उससे बना सकते हैं और इस तरह से सीजर से काट के भी आप छोटे से ड्रेनेज होल बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने छोटे छोटे ड्रेनेज होल बना दिए हैं, दोनों ही जो बैग हैं उनमें बिल्कुल उसमें भी बना दिए हैं। अब मैं आपको इसमें प्लांट लगाकर दिखाती हूँ। दोस्तों अब इसमें छोटे से प्लांटर में मैं आपको एक प्लांट लगाकर दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर ये मैक्सिकम पिटोनिया का प्लांट है मेरे पास, इसको लगाती हूँ। इसके लिए जो मैंने मिट्टी बनाती हूँ आपको पता है कंपोस्ट, और इसके अंदर सेंड ये है मिट्टी मेरी, देख लीजिए पुराने गमले की ही मिट्टी है। इसमें कुछ लीव्स मिली हुई हैं पुरानी, इसमें कंपोस्ट सेंड और मिट्टी तीनों हैं। ये मिट्टी अच्छी है, मैं इसी में ही आपको ये प्लांट लगाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके नीचे इस तरह पर थोड़ी सी मिट्टी भर दी है। अब मैं इसमें ये प्लांट डालती हूँ और इसकी अगर एक्स्ट्रा रूट्स हो रही होंगी तो उनको कट भी कर दूंगी। ये देखिए ये आसानी से इसमें चला जा रहा है। मैं इसको लगाती हूँ, नीचे मैंने मिट्टी डाल दी थी पहले से। अब मैं इसमें मैं पुराने गमले की ही जो मेरी मिट्टी है वो मैं इसको डालती हूँ, इसको भरते फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए पूरा मैक्सिमम पिटोनिया का प्लांट इसमें मैंने आसानी से लगा दिया है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसी तरह से जो मैंने दूसरा वाला बनाया था जो ऑनलाइन सामान से जो पॉली बैग आते हैं उनका बनाया था उसमें भी प्लांट लगाऊंगी, उसमें कुछ बड़ा प्लांट लगाऊंगी। ये छोटे वाले मैंने आपको लगा कर दिखा दिया है, ये आराम से साल डेढ़ साल इसमें चल जाता है ये वाले पॉली बैग जो होते हैं। अगर हमारा ये प्लांट कुछ बड़ा लगने जाएगा तो मैं इसको निकाल कर दूसरा भी लगाऊंगी। ये प्लांट ये जो पॉली बैग है थोड़े हार्डी होते हैं, इस टाइप के जो सर्फ के आते हैं जो आटे के आते हैं तो उनके जो है लंबे समय तक चलते हैं और जो पतले वाले होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं। तो आप भी अपने यहाँ के जो पॉली बैग वगैरह बस घर में आते हैं उनसे अच्छे तरह से ग्रो बैग बनाइए और ग्रो बैग बनाकर उनमें प्लांट्स लगाइए। दोस्तों ये देखिए ये आटे का एक बैग है, जो पॉली बैग आते हैं आटे का वो है। इसके अंदर आप गुड़हल के प्लांट को देखिए, इसको साल से दो साल करीब होने को आ रहे हैं मेरे इस ग्रो बैग में और आसानी से ये चल रहा है। तो आप भी ऐसी तरह से आज ग्रो कर सकते हैं अपने प्लांट्स। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने घर से निकलने वाले पॉली बैग से ग्रो बैग बनाने के बारे में बताया। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। पसंद आया होगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।